सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। ये केसीआर गवर्नमेंट नहीं है गरीबों की, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है। रेवंत रेड्डी साहब परेशान करना चाहते हैं सारे लोगों को, कहीं का हटरा कहीं का मूसी डेवलप कर रहे हैं। पहले गरीबों को देखिए, बाद में मूसी को डेवलप कीजिए। मूसी डेवलप करने के लिए टाइम है आपके पास, वह गरीबों को बेघर करें तो गरीब कहाँ जाएंगे, ये आपका सपना है। हैदराबाद में आप इलेक्शन नहीं जीते इसलिए हैदराबाद के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बेघर करना चाह रहे हैं। हमारे अर्दिल अजीज लीडर हरीश राव साहब यहाँ पर है, सबिता मैडम साहबा यहाँ पर है, मल्लाडी साहब यहाँ पर है, हमारे तमाम अदर मिनिस्टर्स है, आपके साथ है। हम मर जाएंगे पर आपके साथ रहेंगे, गरीबों का हाल दिलाएंगे। गरीबों का कोई मसीहा लीडर है वो केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना हासिल किया, तेलंगाना को इंडिया की नंबर वन सिटी बनाने की कोशिश की और आज इंडिया में नंबर वन सिटी है तो हैदराबाद स्टेट और तेलंगाना है। मगर कभी किसी गरीब को नहीं हटाए। मूसी के लिए उन्होंने तकरीबन 15,000 मकान रिजर्व रखे हैं, मगर रेवंत रेड्डी साहब किसी की सुनने वाले नहीं है। 1,00,000 मकान बनाए गए, किधर गए? गरीबों को दिए गए, गरीबों को भी खींचा गया है। ये रेवंत रेड्डी हम आपके दोस्त नहीं है, हम आपके दुश्मन है। दूसरे लोगों के साथ मिलकर लंदन में जाकर एक इंस्पेक्शन कर यहाँ के गरीबों को सताया जा रहा है। हम इसके साथ तो मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, गरीबों की हुकूमत होती है, बेघर मत कीजिए, गरीबों को बेघर मत कीजिए। घर में लोग रहने वालों को अगर बेघर कर देंगे कहाँ जाएंगे? बता रहे लोग इंस्टॉलमेंट पर मकान खरीदे, कब तक अदा करते रहेंगे? पर आप अपने मकान तोड़ देंगे, उन्हें बेघर कर देंगे, वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए हमारा बीआरएस पार्टी का मुतालिबा है, किसी भी एक घर को मत तोड़िए, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप गरीबों को सताएंगे आप कहीं कर नहीं रहेंगे। आप इंडिया में तेलंगाना में रहना है तो तेलंगाना के लोगों के हक के लिए आवाज उठाइए, ताकि उनको बेघर कीजिए। आज मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, आपके लिए एक ही महान लीडर है वो केसीआर साहब है, एक ही पार्टी है बीआरएस पार्टी है, आपके हक के लिए लड़ने वाली ये कांग्रेस पार्टी धोखा देकर इख्तदार में आई है, अब आपको सता रही है। इसके लिए आप मजबूत हो जाइए, आपके साथ केसीआर साहब है, हरीशा साहब है, सबिता मेरी बहन साहब है, सभी लोग यहाँ पर आपके साथ है और आपके हाथ मजबूत करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, पर आपको तकलीफ होने नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों मुत्तहिद हो जाइए, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके साथ बीआरएस पार्टी है, आखिरी दम तक आपके साथ रहेगी, आपके तकलीफों में आपके दुख में हमेशा आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे और आपके हक के लिए